हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा हाजिर हूँ एक और एडिटोरियल के साथ। आज 16 नवंबर है और कुछ टेक्निकल अपरिहार्य कारणों से हम सुबह की आपको ये क्लास नहीं दे पाए। ये सुबह 7 की बजाय आज शाम को 7 बजे इवनिंग में क्लास आएगी आपके पास में, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आप दिन में सोच रहे थे क्लास क्यों नहीं आई, तो है जो ये क्लास आपको इवनिंग में मिलेगी, तो आज के लिए आप इस बात का विशेष थोड़ा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16th ऑफ दिसंबर की है मॉर्निंग की बजाय ये आपको 7 PM आज आपको क्लास मिलने वाली है, तो शाम को 7 बजे इस क्लास को आज ही जो प्रीमियर कर देंगे, आप इसको देख लेना। तो वो कैब देखेंगे इसमें रीडिंग स्किल्स और करंट इश्यूज में हमने लिया है इजराइल फिलिस्तीन वाला जो संघर्ष है हमास के साथ में, इजराइल और हमास का, और उसमें जो वोटिंग हुई है सीज फायर को लेकर के UNO में, तो उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहने वाला है, तो उसकी हम चर्चा आज करेंगे। तो देखते हैं आज इसकी वो कैब। तो सबसे पहला शब्द आएगा रिटेलिएशन, कई बार आ गया आपने, ये नाउन है। रेप्रिजल, बदले की कार्रवाई, और रिस्पॉन्स, तो बदले की कार्रवाई या प्रतिकार। सिनोनिम हो गया रिवेंज या विधेयता, तो ये इसके है जो सिनोनिम हो गए। अब जो बदले की कार्रवाई उसका एंटोनिम क्या हो गया, रिकंसिलिएशन, सुलह हो गया रिजॉल्व, तो इसे हम क्या कह देंगे, सुलह, यानी कोई समस्या का हल हो गया ये, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। ही नेवर सेड ए सिंगल वर्ड इन रिटेलिएशन, उसने है जो प्रतिकार में एक भी शब्द नहीं कहा। दूसरा कल्डीसैक, कल्डीसैक नाउन है। ए स्ट्रीट दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड, ऐसा कोई रास्ता हो जो एक साइड में जाकर के दूसरे छोर पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं हो, तो यू कांट प्रोग्रेस। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां रास्ता ऐसे जाके बंद हो जाता है, तो उस चीज को कहा जाता है कल्डीसैक, ठीक है, कि यहां से आगे आपके कोई रास्ता नहीं है, तो हम कोई सुलह की ओर आगे बढ़ना चाहें, कोई युद्ध का समाधान ढूंढना चाहें, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, तो बातचीत यहाँ आके रुक रह रही है, तो इसे हमने क्या कह दिया, कल्डीसैक। सो सिनोनिम क्या हो गया, नो थ्रू रोड, तो आप आगे नहीं जा सकते। ब्लाइंड अलाई, ऐसा एक आपका ब्लाइंड अलाई हो, ऐसा साथी हो जो अंधा हो, जो रास्ता भी नहीं दिखा पाए, तो ये एक्चुअली आया है अमेरिका के अर्थ में कि इजराइल के लिए USA खुद भी एक क्या है, ब्लाइंड अलाई है, ही इज जो अमेरिका है, तो सी इज अनेबल टू सी पुट एनी सॉल्यूशन, सो देयर इज कल्डीसैक, तो वो है जो अपने आप में आगे जाकर के ब्लाइंड अलाई बन जाता है, अमेरिका कोई रास्ता नहीं सुझा पाता। एंटोनिम हो गया सॉल्यूशन और गुण वरदान, तो आपको है जो कोई ना कोई चीज का समाधान यहाँ मिल जाता है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दिस मॉर्निंग देयर वाज एन एम्बुलेंस कार आउटसाइड आवर हाउस, एक आज सुबह हमारे घर के बाहर एक एम्बुलेंस थी, एंड एन एम्बुलेंस एट द एंड ऑफ द कल्डीसैक, और एक एम्बुलेंस है जो रोड के एंड पर थी जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, तो ये इसका हो गया वाक्य में प्रयोग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन, सो एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, से बचना, तो टू से दैट यू आर नॉट गिविंग इधर वोटिंग इधर फॉर और अगेंस्ट समथिंग, भाग न लेना, आपका ये कहना कि आप ना तो किसी पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं और ना ही किसी के अगेंस्ट ले रहे हैं, आपको एब्सटेन कर रहे हैं, अर्थात किसी तरह से परहेज करना, परहेज करना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, परहेज करना, तो अपने कहते हुए एब्सटेन फ्रॉम लिकर, सर आप इनमें से बचिए। डिक्लाइन, रिफ्यूज टू वोट, समर्थन नहीं करना। सिट ऑन द फेस, किनारे पर बैठना यानी तटस्थ रहना। वोट और एक्सेप्ट, समर्थन करना, समर्थन करना, ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्ब के रूप में। He had abstained from drinking for 3 months. वो 3 महीने से है जो drinking का अर्थ है शराब के सेवन के अर्थ में लिया गया, liquor drinking से, तो वो उसे है जो परहेज कर रहा है abstain from something.
तो वाक्य में प्रयोग हो गया, इजी है, समझ में आ गया। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना कंडेमनेशन। कंडेमनेशन कंडेम करना, निंदा प्रस्ताव, तो नाउन है। कंडेम करना, आलोचना करना, निंदा करना। कंडेम से कंडेमनेशन हो गया, वर्ब से नाउन बना है। द एक्ट ऑफ कंडेम कमेंडिंग समथिंग, सो एक्ट ऑफ कंडेमिंग समथिंग, स्टेटमेंट दैट कंडेम्स, तो ऐसा कोई करना जो कोई की निंदा करता हो, तो निंदा प्रस्ताव हो गया। सेंसर, क्रिटिसिज्म और कैस्टिगेशन, तो सेंसर हो गया आलोचना, आलोचना, तो ये आलोचना, कैस्टिगेशन, निंदा एक ही बात है। प्रेज, प्लॉडिट्स, ये हो गया इसका प्रशंसा, प्रशंसा। So the plan has drawn condemnation from both sides. तो योजना को दोनों तरफ से है जो क्या मिली, निंदा मिली, सभी तरह से है जो प्लान की जो निंदा की गई, तो condemnation निंदा प्रस्ताव हो गया, यानी उसकी क्रिटिसिज्म हो गई। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अपना आज का फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग है, देखिए इसराइल क्या है, गाजा पे इतने ज्यादा हमले कर रहा है कि वो जो इसे बड़े बड़े टावर है, बिल्डिंग है, उनको सीधा 90 डिग्री से किधर ले आ रहा है, 180 डिग्री, जो 90 डिग्री एंगल पर है उनको फ्लैट करते हुए 180 डिग्री पे ला रहा है, अर्थात जो वर्टिकल चीजें हैं उनको वो क्या कर रहा है, वर्टिकल से ओरिजेंटल किए जा रहा है। तो हल जो फ्लैटनिंग कर रहा है वो समतल कर रहा है। So to become or make something flat, किसी को बिल्कुल सीधा या समतल कर देना। So compress या press down, तो यहाँ पर दबा देना, कुचल देना, दबा देना, कुचल देना, तहस नहस कर देना, इस अर्थ में flattening शब्द का प्रयोग हुआ है कि इसराइल गाजा पे इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट कर रहा है कि वहां सब कुछ वो क्या कर रहा है, फ्लैट कर रहा है। सो रफन मेक और अनइवन, उबड़ खाबड़ करना, अस्त व्यस्त करना। सो दीज एक्सरसाइजेज विल हेल्प टू फ्लैटन योर स्टमक, आप इस तरह के व्यायाम करेंगे जिससे आपका स्टमक तौंद है वो फ्लैट हो जाएगा, तौंद है वो बड़ी हुई उगट के कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओडियम। ओडियम नाउन है, हेट, घृणा, जुजुक्सा या नफरत, तो जुजुक्सा या नफरत। अब हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया, इजराइल इसकी हत्या की, ये बहुत ही निंदनीय है, लेकिन अब इसके रिटेलिएशन में जो इजराइल इतने हमला कर रहा है कि बीसों हजार, थाउजेंड्स ऑफ फिलिस्तीन है वो मारे जा रहे हैं, कुछ इनोसेंट भी हैं, तो इसे क्या है, जो सरवाइव कर गए उनमें है जो इसराइल के प्रति क्या डेवलप हो रही है, एक हेट डेवलप हो रही है, तो वो इस तरह की हिंसा के कारण, किसी निर्दोष के प्रति जो हिंसा की गई है उस हिंसा के कारण दूसरे के प्रति हिंसा के जो भाव विचार पैदा हो जाते हैं, जो शांति प्रिय नागरिक होते हैं वो भी हिंसक बन जाते हैं, उस प्रक्रिया की जो हिंसा होती है उसे ओडियम कहा गया है। तो इसे घृणा और नफरत पैदा हो रही है, एक कि आप पहले कुछ नहीं थे लेकिन किसी एक घटना के कारण किसी के प्रति नफरत का भाव आप में पैदा हो गया, उसके लिए ओडियम कहा गया है। सो जनरल और वाइड स्प्रेड हेट्रेड और डिस्गस्ट इनक्रेड बाय समवन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस, तो दूसरे की प्रतिक्रिया क्रिया के कारण बड़े स्तर पर लोगों में वायलेंस की भाव आ जाना नफरत कहलाती है, इस तरह की जो हिंसा है वो ओडियम कहलाएगी। सो डिस्गस्ट होती है इसमें, हताशा का भाव होता है, एबोरेंस होती है, घृणा का भाव इसके अंदर होता है और बड़े स्तर पर होता है, रिपग्नेंस होती है कि आप बिल्कुल है जो विचार इसमें है, जो आपके वैचारिक हिंसा भी होती है दिमाग के अंदर दूसरे के प्रति, अप्रूवल और डिलाइट, जबकि इसकी है जो सहमति या आनंद इसका है जो इंटोनिम हो जाएगा। ही एनकरेज वाइड स्प्रेड ओडियम फॉर मिलिट्री फेलियर्स एंड गवर्नमेंट करप्शन, तो उसमें है जो बड़े स्तर पर है जो हिंसा और घृणा की भावना थी, क्योंकि सैन्य असफलता थी और सरकार का
भ्रष्टाचार भी था, तो ये जरूरी नहीं सैन्य कार्रवाई हो, असैन्य कार्रवाई भ्रष्टाचार जैसी चीजों से भी सरकार के प्रति है जो घृणा का भाव हो सकता है। तो ये शासन प्रशासन या व्यक्ति किसी के भी प्रति हो सकता है, तो बड़े स्तर पर होती है तो जनरली सरकारों के प्रति होता है। तो देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या कहता है। प्रिंसिपल टिप्स, एक सैद्धांतिक परिवर्तन हुआ है और इंडिया स्टैंड ऑन गाजा, तो भारत की गाजा को लेकर के क्या नीति है उस पर है ये। इंडिया मस्ट टेक मोर वोकल पोजीशन ऑन गाजा विद इजराइल, भारत को गाजा के संबंध में ज्यादा वोकल है जो प्रखर आवाज बनना चाहिए, एक सही स्टैंड लेना चाहिए। 2 months after Israel's bombardment of Gaza residents in the retaliation for the October 7 terror attacks by Hamas began, India joined its voice to the global call to stop the bombing, voting in favor of a resolution at the UN General Assembly, UNGA, along with 152 other nations. 152 अन्य राष्ट्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य महासभा के अंदर एक प्रस्ताव आया, रेजोल्यूशन आया, और उसमें है उस प्रस्ताव के पक्ष में, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, तो उसमें पक्ष में भारत ने वोटिंग की है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, और भारत ने उन 152 सदस्यों के साथ में जो अपने वोटिंग किया। किस बात को लेकर के, 2 महीने बाद जब इजराइल ने है जो गाजा पर बमबारी शुरू की, रिटेलिएशन प्रतिकार बदले की भावना से, किस बात को लेकर के, जो 7 अक्टूबर का जो आतंकी हमला हुआ है हमास द्वारा इजराइल में, उसके बदले की भावना में इजराइल ने जो बम्बारमेंट किया उसके 2 महीने बाद इंडिया ने है जो ग्लोबल कॉल है, जो वैश्विक जो अपील है उसका साथ दिया है, उसका साथ देते हुए यूएनजीए के अंदर है जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग दी है। और प्रस्ताव क्या था, द रेजोल्यूशन डिमांडेड एन इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीजफायर, ये प्रस्ताव मांग करता है कि एक तत्काल इमीडिएट तत्काल ही मानवीय है जो युद्ध विराम घोषित किया जाए, शांति स्थापित की जाए, एन ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और अंतरराष्ट्रीय जो मानव कानून है उनका पर्यवेक्षण हो, एंड द अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल द हॉस्टेजेज, ये क्लॉज इसमें इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के सभी जो हॉस्टेजेज हैं इजराइल के बंदी बनाए हुए हैं उनको हमास छोड़े, एज वेल एज एंश्योरिंग ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, और साथ ही साथ मानवीय पहुंच की है जो सुनिश्चित की जाए, क्योंकि इजराइल ने वहां फूड और वाटर सप्लाई चेन है उसे काट दिया गया है। सो इंडियाज वॉट वॉज ए शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस वॉट एट लास्ट सच यूएनजीए रिजोल्यूशन ऑन अक्टूबर 27, वो घटना हुई उसके 20 दिन बाद 27 अक्टूबर को एक प्रस्ताव आया था पिछला, उसमें इंडिया ने इसके खिलाफ मत नहीं दिया, वो उसे अगेंस्ट अनुपस्थित रहा था, लेकिन इसमें शिफ्ट आया है, बदलाव आया है, और पिछले के बजाय, पहले वाले के बजाय अब इंडिया इसके पक्ष में आ गया है। When despite the death of 8,000 Gazans, जब 8,000 लोगों की मृत्यु के बावजूद India had decided to abstain from voting for a resolution that called for a ceasefire. तो 27 अक्टूबर को जो रिजोल्यूशन आया जो कि सीजफायर की डिमांड करता था, भारत में ने उसमें है जो अनुपस्थित रहने का फैसला किया, इससे दूर रहने का फैसला किया, तो वो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। कारण ये बताया था कि इसमें हमास के हमले की जो निंदा नहीं की गई है। ओके, द गवर्नमेंट एंड द एमईए एक्सप्लेन्ड दिस टू बी द मैटर ऑफ प्रिंसिपल, सरकार और विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि एक सैद्धांतिक मामला है एज पार्ट ऑफ इंडिया जीरो टॉलरेंस, क्योंकि भारत की जीरो टॉलरेंस शून्य सहिष्णुता कि हम बिल्कुल सहिष्णु नहीं है आतंकवाद को लेकर के, बिल्कुल भी सहिष्णुता नहीं, आतंक को किसी भी रूप में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसी नीति को जीरो टॉलरेंस कहा गया है। अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म, आतंक को लेकर के भारत की यही अप्रोच है, यही विचार है, फिक्स नीति है। एज द अर्लियर रेजोल्यूशन डिडंट कंटेन एन एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन ऑफ द अक्टूबर 7 अटैक्स, क्योंकि जो पहले वाला 27 अक्टूबर वाला जो प्रस्ताव था वो क्या करता है, एक्सप्लिसिट स्पष्ट, एकदम स्पष्ट है, क्लियरली उसकी कंडेमनेशन निंदा नहीं करता है। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा, तो वो उसकी एकदम क्लियर कट निंदा
नहीं करता है 7 अक्टूबर वाले हमले की। सो हाउएवर व्हाइल द यूएनजीए रेजोल्यूशन पास्ड ऑन डिसंबर 12 बीएफ नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ द टेरर अटैक्स। यद्यपि ये जो यूएनजीए के अंदर अब नया जो प्रस्ताव आया है ये 12 दिसंबर को जो पास हुआ है ये स्पष्ट डायरेक्ट उल्लेख नहीं करता आतंकी हमलों का। इंडिया हैज वोटेड इन फेवर, फिर भी भारत ने इसके पक्ष में मत दे दिया है। ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज येट टू डिटेल द रेशनल, यद्यपि सरकार को अभी भी इस तर्क की जो डिटेल है वो देनी है। देयर कुड बी सेवरल रीजंस, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? कुड बी हो सकते हैं, क्या है? कैजुअल्टी फिगर्स हैव रिजन रिलेंटलेसली, एक तो कैजुअल्टी है वहां लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। विद 18,000 डेड, लगभग 18,000 लोग मारे गए हैं। एंड द हाईएस्ट सच टोल ऑफ द नियरली 90 जर्नलिस्ट, और एक तो इसके अंदर अब तक सर्वाधिक 90 पत्रकार बंधु मारे जा चुके हैं। मोर देन 80% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन इज होमलेस, और 80% से अधिक जनसंख्या है राजन की वो घर विहीन हो चुकी है, शरणार्थी बन चुकी है। इवन द यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल बिगेस्ट एलाई, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा साथी है, मित्र राष्ट्र है, एलाई है इस युद्ध में, एस्टिमेट्स दैट द नियरली हाफ ऑफ द 29,000 एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस डिप्लॉयड बाय द इजराइल दस फार आर अनगाइडेड और इनडिस्क्रिमिनेट मिसाइल्स। अमेरिका जो कि इजराइल का सबसे बड़ा साथी है वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अब तक जितना भी ये जो हमला हुआ है इसमें एयर टू ग्राउंड जो हवा से सतह पर हमले किए गए हैं मिसाइल्स द्वारा, उसमें 29,000 से भी अधिक जो इस तरह के बम गिराए गए हैं वो सारे, और जो भी म्यूनिशंस गिराया है वो सब का सब क्या है? अनगाइडेड है, दिशा विहीन है, कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट न ढूंढते हुए ऐसे ही अंधाधुंध बम्बारमेंट किया गया है। इनडिस्क्रिमिनेट, विवेकपूर्ण नहीं, अविवेकपूर्ण है, क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट, बिना किसी भेदभाव के, इनोसेंट का है, बहामास है, आतंकी है, कैसा कुछ विचार किए बिना बम्बारी की गई है। सो सेकेंड रीजन बताया, इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF, IDF हैव गॉन फार बियॉन्ड देयर ओरिजिनल मैंडेट ऑफ एलिमिनेटिंग हमास कैपेसिटी। तो पहला IDF है वो अपना जो एक जो ओरिजिनल मैंडेट था, उनको आदेश था, मूल आदेश मैंडेट क्या था कि वो है जो हमास को एलिमिनेट करे, हमास को है जो नष्ट करे, उसकी हमास की क्षमता को नष्ट करे, कैपेसिटी को नष्ट करे, एंड फ्रीइंग द होस्टेजेस टू अ लार्ज स्केल फ्रीइंग ऑफ गाजा, और होस्टेजेस को जो बंदी बनाए गए हैं उनको आजाद करवाए और बड़े स्तर पर गाजा को फ्लैटन करते हुए तहस नहस करते हुए, एंड फोर्स्ड ऑक्यूपेशन ऑफ मोर टेरिटरी, और ये क्या है? ज्यादा क्षेत्र, ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करने में लगा हुआ है। So more than 100 Israeli hostages remain in Hamas custody. 100 से भी अधिक कस्टडी होता है अभिरक्षा, हमास की जो अभिरक्षा में अभी कब्जे के अंदर 100 से अधिक जो हॉस्टेजेज हैं बंदी इजरायली हमास के कब्जे में हैं। थर्ड ग्लोबल ओपिनियन, एक वैश्विक जो विचार है, राय है, वैश्विक जो राय है, ओपिनियन है, राय है, वो बदल रहे, इंक्लूडिंग इंडियन पब्लिक ओपिनियन, भारतीय जनता की राय भी इसमें शामिल है, हैज मूव्ड डिसाइडेडली फ्रॉम सिंपैथी विद इजराइल। अब इजराइल के साथ 7 अक्टूबर के बाद सिंपैथी रही थी, लेकिन 2 महीने बाद अब इजराइल ने इतनी ज्यादा ताकत से और एक तरफा करते हुए युद्ध को, मिलियंस ऑफ फिलिस्तीनी को है जो गाजंस को है जो होमलेस कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जनता का है जो सिंपैथी अब इजराइल से डाइवर्ट होके वापस गाजन के साथ जा रहा है। टू ऑरर एट द अनफोल्डिंग आफ्टरमैथ, एंड न्यू दिल्ली कुडंट हैव बीन इम्यून टू एंट्रीटीज बाय पैलेस्टाइन एंड द गल्फ स्टेट्स टू टेक ए रीलुक एट इट्स वॉच। अब भारत क्या करता है, जो फलिस्तीन है और जो गल्फ राज्य हैं, खाड़ी के जो देश हैं, उनकी जो डिमांड है
उनका कहना है कि भारत अपने नजरिए पर पुनर्विचार करे और भारत इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता और जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसको दिल्ली है जो उसे भी इग्नोर नहीं रह सकती, उसको इग्नोर नहीं कर सकती, इसीलिए इसमें चेंज आया है। इवन एज इंडिया स्टूड आइसोलेटेड इन साउथ एशिया, जब भी भारत अकेला था दक्षिण एशिया के अंदर एंड ग्लोबल साउथ और ग्लोबल साउथ में वैश्विक साउथ के अंदर भी फॉर इट्स प्रीवियस एब्सटेंशन, जो अपना क्योंकि पहले 20 जो 27 अक्टूबर को जो हुआ था उसमें भारत जो अनुपस्थित रहा था वोटिंग में, उसमें ग्लोबल साउथ में और साउथ एशिया में इंडिया है जो उस अनुपस्थिति के कारण अकेला पड़ गया था। इट मे बी टू अर्ली टू सी इंडिया यूएनजीए वोट एज ए रिवर्सल ऑफ इट्स अर्लियर पोजिशन, ये तो कहना जल्दबाजी होगा कि यूएनजीए में जो भारत ने मतदान दिया है मत दिया है ये इसकी पहले वाली स्थिति से एकदम से रिवर्सल हो गया है, बिल्कुल उसने अपना स्टैंड बदल लिया हो, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। एंड ए रिवर्सल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और इसकी मौलिक जो स्थिति थी उसे एकदम विपरीत आना इन द कंफ्लिक्ट इस संघर्ष के अंदर वेयर इट हैज ट्रेडिशनली कॉल्ड फॉर पीस, जहां ये परंपरागत रूप से कहता था शांति की मांग करता था कि पहले यह जो शांति स्थापित की जानी चाहिए। तो अब क्या हो रहा है इसमें आगे देखते हैं। मच विल डिपेंड ऑन, और ज्यादा बात इस पर निर्भर करेगी, ऑन द रोल इंडिया चूजेस फॉर इटसेल्फ इन एंश्योरिंग द सीज फायर इज effected and holds, given that Israel has already rejected the UNGS resolution. अब इस बात को देखना रोचक होगा कि इसराइल पहले ही ऑलरेडी ही UNGA के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर चुका है, तो इसमें अब भारत की क्या भूमिका रहेगी, ये भारत के रोल पर निर्भर करेगा। मच विल डिपेंड ऑन द रोल इंडिया चूजेस, अब भारत क्या रोल का चयन करेगा, एंश्योरिंग सीज फायर, युद्ध विराम को सुनिश्चित करने के लिए, क्यों इसे ये प्रभावित भी हुआ है और ये बनाए हुए रखेगा, गिवन दैट इजराइल हैज ऑलरेडी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इजराइल इस यूएन के प्रस्ताव को पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। सो हैविंग प्रोवन इट्स क्रेडेंशियल्स एज ए थ्रेट टू इजराइल, एक इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इजराइल का दोस्त है, उसकी साख भी इस तरह की है, फॉलोइंग द टेरर अटैक्स आतंकी हमलों के बाद में, एज वेल एज द ओडियम ऑफ इनेबलिंग द सिविलियन डेथ्स, और एक जो घृणा है जो नागरिकों के जो मारे जाने से उनकी मृत्यु से जो एक घृणा का भाव पैदा हो गया जनता में, द मोदी गवर्नमेंट मस्ट बी मोर वोकल इन हेल्पिंग द नेतन्याहू गवर्नमेंट आउट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कल्डी-सैक। अब देखिए जो इतनी ज्यादा जनता मारी जा रही है, इन लोगों के मरने से भी एक घृणा का भाव ओडियम है, एक हेट की भावना बड़े स्तर पर डेवलप हो रही है इजराइल के प्रति भी, तो अब इससे क्या है मोदी सरकार को ज्यादा वोकल ज्यादा प्रखर होना पड़ेगा नेतन्याहू सरकार की मदद करने में, जिसे आगे का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है इस कल्डी-सैक से बाहर निकालने में, इस कल्डी-सैक से बाहर निकाल के इसके रास्ता बंद हो गया है यहाँ पर, तो नेतन्याहू को आगे कहीं जाना सूझ नहीं रहा है, इस कल्डी-सैक से बाहर निकालने में मोदी को कोई रास्ता सुझाना पड़ेगा, वन विच कुड कॉज रीजनल इनस्टेबिलिटी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे क्षेत्रीय अस्थिरता हो जाएगी एंड इनसिक्योरिटी फॉर डिकेड्स, और दशकों तक, एक दो साल नहीं दशकों तक, कई है जो वर्षों तक इससे उस क्षेत्र में अशांति बनी रहेगी, क्योंकि जनता के अंदर बहुत बड़े वर्ग के अंदर है जो फलिस्तीन में इजराइल के प्रति ओडियम बढ़ता जा रहा है, हेट्रेड की भावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि उसके पिछले इजराइल के जितने लोग मारे गए उसके रेशियो में ये बहुत ही ज्यादा कुछ 200-300% ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, तो इसी प्रकार आप हमारा साथ देते रहें, आपको पता ही है सीकर स्थित स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑफलाइन सेंटर पर CGL के और GD का फाइनल बैच चल रहा है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं CGL या GD की तो आपका स्वागत है, आप ऑफलाइन में सुबह 9 से 1 बजे तक क्लास रहती हैं,
क्लास ले सकते हैं, कोई डाउट होते हैं तो आप 3 से 5 तक शाम को डाउट क्लियर कर सकते हैं, टीचिंग फैकल्टी आपके डाउट्स क्लियर करती है। और कल संडे है, संडे को अपना 10 से लेकर के 12 बजे तक ऑफलाइन टेस्ट होता है, उसकी जो आंसर की है सेम डे टेलीग्राम पर आफ्टर एग्जाम आ जाती है और नेक्स्ट डे आपका रैंक वाइज रिजल्ट टेलीग्राम पर आ जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी न भूले, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, तो वहां पर आप है जो अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज आपको पता ही है, फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग में तैयारी कर रहे हो, हमारे स्कॉलर्स स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। आपको 2 फोटो, 1 आधार कार्ड की कॉपी देनी है और टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करनी है। होमवर्क पर टेस्ट दीजिए, नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट देख लीजिए। अपनी जान, अपनी जो जितनी भी तैयारी है उसको परखिए, हर सप्ताह हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार आपके लाड प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसे बनाए रखें। मिलते हैं कल एक मंडे को एक और एडिटोरियल में, संडे को इस बार ऑफ रहेगा। तो मंडे के एडिटोरियल में है जो अपने एक और नई रोचक जानकारी के साथ में अच्छा सा एडिटोरियल लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।